नमस्कार सभी को। अभी हम है जीआरएल मॉनेस्ट्री बोमदिला पे, जहां 13 बोमदिला तोड़िया का आज आखिरी दिन है और चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सहित वेस्ट कामेंग के एमएलएस ये प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं। काफी शुक्रगुजार करना चाहूंगा हमारे मनास्ट्री के हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, खास करके हमारे एबॉट जी और उनके जितने भी मनास्ट्री के सेक्रेटरी है कि इस बार तोड़िया में हमको यहाँ बुलाया और आप लोगों को बीच यहाँ पे एक दो शब्द कहने का जो मौका दिया है। वैसे इस मनास्ट्री में मैं पहले भी बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ और हमारे स्वर्गीय जी का साथ में मैं काफ़ी बार यहाँ आया। एजुकेशन के बारे में आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पे लग रहा था, तो देखिए हम सबको ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सिस्टमिक चेंजेस अभी आ रहा है, काफ़ी परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी देखिए ये पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट इवन अरुणाचल भी आगे बढ़ रहा है, तो इसमें एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है अपना सोसाइटी और स्टेट को डेवलपमेंट में लेके जाने के लिए। एक वक्त था अरुणाचल में एजुकेशन का सिनेरियो काफ़ी खराब था, तो धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट तो अभी आ रहा है। मेरा ये पर्सनल एक ये मानना था कि एजुकेशन का सिनेरियो जो खराब हुआ, आई थिंक वे बैक इन 2008-09 जो केंद्र सरकार ने जो राइट टू एजुकेशन का जो पॉलिसी बहुत अच्छा उठाया था, मगर हमारा जो ट्राइबल स्टेट है पॉपुलेशन बड़ा कम है, केवल सिर्फ 14 लाख का पॉपुलेशन है और बहुत गांव में स्कैटर्ड है, तो उसको स्कूल के हिस्ट्री में थोड़ा सा उसमें थोड़ा हम लोग का गलती हो गया, जिससे लगा कि जहाँ पे स्कूल जरूरत नहीं था वहाँ भी स्कूल खुल गया। स्कूल खुलना बहुत अच्छा बात है, लेकिन रिपेट नंबर ऑफ टीचर्स का पोस्टिंग करना उतना ही इम्पोर्टेंट का बात है, मगर उतना टीचर्स को हम लोग पोस्ट कर नहीं पाया। एक स्कूल बना दिया एक टीचर के साथ में, तो हमारे जो बच्चे हैं वहाँ जाके फिर क्वालिटी एजुकेशन हम लोगों को नहीं मिलता है, और साथ साथ फिर जो ये लिटरेसी का जो ग्राफ है वो तो उठ गया है, मगर क्वालिटी एजुकेशन में काफ़ी हम लोग गिर गया है। अभी आज के जो दिन में भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा ग्रेजुएट लोग होगा, अगर एक एप्लीकेशन लिखो बोले से एक काम का उसको एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता है, तो इस तरह का एजुकेशन हमको मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये और भी खतरनाक है। इस तरह का एजुकेशन से तो अपना एक अनपढ़ ही ज़्यादा बेहतर है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग जो हम लोग बोलते हैं, ये बहुत डेंजर होता है, तो इसलिए अभी इस जो खतरा को देखते हुए, इस जो चिंता वाला गली को देखते हुए हम लोग ने एजुकेशन सिस्टम में भी पिछले 2 साल से हम लोग ने रिफॉर्म करने का कोशिश किया है। नॉन रिटेंशन पॉलिसी जो था उसको हटा दिया है, क्लास 5 और क्लास 8 में दोबारा फिर बोर्ड सिस्टम में हम लोग ने लेके आया है। जितने भी जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्लास खास करके क्लास सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर्स का शॉर्टेज था, आप सबको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से उसका रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के बाद जितनी भी जो सब्जेक्ट टीचर्स है रेस्पेक्टिव स्कूल्स हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स में, वहाँ सब्जेक्ट टीचर्स भी पहुँच जाएंगे,
एजुकेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो केवल सरकार के ऊपर में छोड़ने से हम लोग अकेला बढ़ा नहीं पाएगा। एजुकेशन जो है वो तीन पिलर में वहाँ पे बैठा हुआ है। एक हो गया टीचर, दूसरा हो गया स्टूडेंट और तीसरा हो गया एंड सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स यानी हम लोग। तो तीनों का जब तक एक कोलैबोरेटेड एफर्ट जब तक नहीं होगा तो हमारा एजुकेशन क्षेत्र इक्वालिटी के क्षेत्र में हम लोग बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आज के इस फंक्शन में खास करके हमारा मॉन रीजन के जितने भी जो सीनियर लीडर्स और एल्डर्स और माँ पिताजी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप सबसे मेरा ये निवेदन होगा कि आप लोग भी अपना अपना गांव में जाके एजुकेशन का बेस लिफ्ट कैसे करना है। हर एक गांव में एक ना एक स्कूल तो होगा, तो वहाँ पे टीचर्स लोगों के साथ में बैठ के स्कूल में क्या समस्या हो रहा है, टीचर्स लोगों का क्या समस्या है, लोकली आप लोग किस प्रकार से स्कूल में योगदान कर सकता है, उस पर आप लोग चर्चा करना बहुत जरूरी पहुँचा के लेके जाना है। तो इस राज्य में बहुत बड़ा चैलेंजेस भी है और साथ ही साथ अपना एक अपॉर्चुनिटी भी हमेशा एक बहुत पॉजिटिव वे में इस राज्य के पास में रिसोर्सेज भी बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप सबको पता है, खास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में बहुत फोकस्ड वे में काम चल रहा है। कनेक्टिविटी जो एक मेजर इशू था नॉर्थ ईस्ट में, धीरे धीरे उस कनेक्टिविटी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हुए अभी जो हमारा जो चैलेंजेस है उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोगों को मिल रहा है। हमारा खास करके आज के इस इवेंट में जो यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह जो मिला है एजुकेशन क्षेत्र में, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहेगा। एजुकेशन सेक्टर बहुत ही प्रायोरिटी सेक्टर है हम लोगों का पूरे इस राज्य में। तो मैं यहाँ के बनास्ट्री के और IBCS सॉरी यहाँ के BCPS जो NGO है उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहेगा कि खास करके इस बार हम लोगों का सोनावा अवार्ड, टुमकेन सोनावा अवार्ड जो रखा है वो हमारा एक्सीलेंस इनका टू क्लास 12 टॉपर्स लोगों को जो दिया है वो बहुत ही एक अच्छा अवार्ड हम लोग ने रखा है। साथ साथ जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो दिया है ये भी काफ़ी इंकरेजिंग है। तो आने वाला दिनों में हम सबको शिक्षा के तौर पे बहुत इसमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और आप सबको पता है कि इस मनास्ट्री में हम लोगों का शांति देवा विद्यालय वो लेट हमारा सोना वंश रिमझी ने स्थापित करके बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। अभी थोड़ा देर पहले हमारे यहाँ के रेवरेंट एबॉट की ओर से और इस डिस्ट्रिक्ट के चारों MLA का बिहार में हमें कुछ मेमोरेंडम भी मिला है ताकि इस मनास्ट्री को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और कुछ स्कूल्स में भी उन लोगों का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मेमोरेंडम दिया है वो 3 पॉइंट मेमोरेंडम हमको यहाँ पे दिया है। इसमें एक तो लिखा है कि कर्पस फंड के लिए, दूसरा यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो हॉस्टल है शायद उस हॉस्टल वो छोटा पड़ गया है और भी करीबन 100 बोर्डर्स के लिए हॉस्टल चाहिए यहाँ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इस पूरे कैंपस को सिक्योरिटी फेंसिंग और सिक्योरिटी गेट के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि मैं इटानगर पहुँचने के बाद मैं प्लानिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में बातचीत करके इस साल इस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है जो भी काम हम लोग प्रायोरिटी में लेगा इसको तुरंत में जाके वापस जाके सेंक्शन कर दूंगा। जितने भी गणमान्य लोग यहाँ आए हैं उनका सत्कार के साथ स्वागत करना चाहिए।